नमस्कार दोस्तों, अलकाज किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका। आज हम बनाएंगे हरी मिर्ची का इंस्टेंट अचार, जो झटपट बन जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो ये अचार देख के आपको जबरदस्त भूख लगेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 100 ग्राम मिर्ची ली है, इसको अच्छे से धुल के साफ कर लिया है और 1 घंटे धूप में सुखा लिया है। अगर धूप ना आ रही हो तो आप कपड़े में पोंछ के इसे पंखे के नीचे भी 1-2 घंटे रख सकते हैं। मसाले में मैंने 1 चम्मच राई लिया है, 1/2 चम्मच मंगरेल लिया है, 1/2 चम्मच मेथी दाने लिए हैं, 1 चम्मच सौंफ लिए, 1 चम्मच जीरा लिया है, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर लिया है। सबसे पहले मैंने पैन को गैस पर रखा है और उसे हल्का गर्म होने दिया है। जब पैन अच्छा गर्म हो गया है तो उसमें मैंने मेथी, मंगरेल, सौंफ और साथ में ही जीरा को डाल के धीमी धीमी आंच पे भून लिया है। इन मसालों को भूनते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि गैस की फ्लेम को धीमा ही रखेंगे। बहुत तेज अगर आप रखेंगे तो सारे मसाले जल जाएंगे। धीमी धीमी आंच पे 2-3 मिनट में आपके सारे मसाले भुन जाएंगे और अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब आपके मसाले भुन गए। ये देखिए हमारे मसाले भुन चुके हैं। इसी समय मैंने इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर को भी डाल के हल्का सा भून लिया है। मेरे पास अक्खा धनिया नहीं था, अगर आपके पास अक्खा धनिया हो तो आप वो 2 बड़े चम्मच डाल सकते हैं। मेरे पास पीसा धनिया था तो मैंने उसको डाल के हल्का गुलाबी होने तक भून लिया। अब हम गैस की आंच को बंद कर देंगे। अब इसी पैन में मैंने सरसों के दाने या राई आप अगर कहते हैं तो राई के दाने को मैंने इसमें डाल के हल्का सा चला दिया है ताकि वो भी गुनगुना हो जाए और पीसने में आसानी रहे। अब इसी समय मैंने इसमें 1/2 चम्मच हींग भी डाल दिया है, वो भी हल्की सी सिक जाएगी। उसके बाद ये सारे मसाले को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और फिर इसे मिक्सी के जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। देखिए सारे मसाले ठंडे हो गए हैं, अब इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। इसी समय मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है जिससे ये और चटपटा बने। ये कुटी हुई मिर्च 1/2 चम्मच है, इसको भी इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। नमक अचार में थोड़ा तेजी रखें जिससे आपका अचार खराब ना हो। मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच नमक डाले हैं। अब इसे ढक्कन लगा के पीस लें। ये देखिए हमारा मसाला पीस के तैयार हो गया है। इसको बहुत महीन नहीं पीसना है, थोड़ा मोटा ही इसे पीसे। ये देखिए मैंने कैसा पीसा है, ऐसा ही आप भी पीसे। अब इसी समय मैंने इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब सारी सामग्री को एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए सारे मसाले, नमक, हल्दी, मिर्ची सब एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम मिर्ची के अचार को भरना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मिर्ची को बीच से कट कर लिया है और सारी मिर्चियों को कट करके मैंने प्लेट में रख लिया है। मैंने मिर्च की डंठल को नहीं हटाया है, अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं। मैंने डंठल को इसलिए रखा है क्योंकि अचार देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अब सारी मिर्चियों को कट करने के बाद मैंने इसमें मसाला डाल के चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दिया है। सारे मसालों को मिर्ची में थोड़ी देर मिक्स करने के बाद मैंने इसमें राई का तेल डाल दिया है, जिसे गाँव में बहुत लोग सरसों का तेल भी कहते हैं। ये तेल की मात्रा आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, सिर्फ इतना ही रखा है कि मिर्च और मसाले अच्छे से एक दूसरे में चिपक जाएं। ये देखिए मैं कैसे इसे मिला रही हूँ। मैंने सारे मसाले को एक बार नहीं डाला है, थोड़ा सा बचा लिया था। अब मैं ऊपर से थोड़े मसाले और डालूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने मसाला डाला है। ये देखिए सारे मसाले एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। अब इसी समय मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस भी डाल दिया है जिससे खट्टा और चटपटा अचार बने। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं जिससे अचार खट्टा हो जाए। लीजिए हमारा हरी मिर्च का अचार बनके तैयार हो गया है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर आप चाहें तो इसे धूप में भी 1-2 दिन रख के खा सकते हैं या ऐसे ही आप इसे जार में बंद करके रख दीजिए और 1 हफ्ते तक आप खाइए। इसे बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि ये कैसे बने। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।